कंटिन्यू चलता है और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, उनको भी बोलूँगी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, दो रेडी हो चुकी है और लड़का भी नहाने गया हुआ है, दूध भी गर्म करके दे दिया है, मम्मी से पानी भी दे दिया है। अब मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने, और ये चेयर पे कपड़े रखे ना, इनको आज प्रेस करनी है। बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी है, मैं अपने लिए दही बैठ लेके बैठी हूँ, फिर करेंगे काम। झाड़ू पोछा हो गए हैं और अब कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, बना रही हूँ और मैं घिया का शायद रायता बनाऊँगी, और मम्मी टीवी देख रही है और मैं भी अब टीवी देखूँगी। काम हो गया है और लंच की तैयारी हो गई है, और आज मैंने फिर मेहंदी लगाई है, अच्छे से कलर आ जाएगा एक की बार, और मम्मी के थोड़ी सी लगा दी मैंने। अरे बच्चों को लेने जाऊंगी, आके लंच बना के उसके बाद सिर धोऊंगी। बच्चों को लेके आ गई हूँ, अब बनाऊंगी लंच, बच्चे देख रहे हैं। बच्चों के लिए लंच बना दिया है और बच्चों ने खा भी लिया है, और मैंने रसोई साफ कर दी है, मेरे बर्तन बाकी रह रहे हैं क्योंकि मम्मी का सिर धोना था, काफ़ी समय हो गया था लगाए हुए मेहंदी मम्मी को, इसलिए मम्मी का सिर धोने चली गई थी बीच में। तो अब मैं कर रही हूँ एडिट ब्लॉग, और फिर मैं अब नहाऊँगी, मम्मी नहाने के बाद अब फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। यहाँ पे मेरा ब्लॉग चल रहा है, डेली ब्लॉग कंटिन्यू चलता है, और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, उनको भी बोलूँगी पढ़ाई करने के लिए, आने के बाद एक डेढ़ घंटा तो टीवी देखते ही देखते हैं, मानते नहीं, कहने से भी नहीं मानते। और ये प्रेस करूँगी इन कपड़ों के, रखे हैं दो दिन से, मन नहीं कर रहा था, मूड खराब था, कभी कभी हो जाता है ना अजीब अजीब सा, तो इसके कारण मैं प्रेस नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा सा सेंटर में रखूँगी और इनके परहेज करूँगी, पक्का करूँगी आज, तो कुछ भी हो जाए, नहीं तो कल फिर धो जाएंगे, बुध है तो बुध को कपड़े फिर धोएंगे। आ चुकी है और मैंने परहेज निपटा दिए, इसको रखना बाकी है, और थोड़े से कपड़े रह रहे हैं जिसके तय होती है वो मम्मी कर रही है अभी, और तू दी और ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहाने के बाद शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, थक गई बिल्कुल। मैं नहा के आ गई हूँ और मम्मी के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी नहाती, और वो चाय नहीं बनी गई, कति कड़क चाय आया है, चपाती पता नहीं कैसी आई उनकी बार, मैंने कति टेस्ट ना हो चाय में, बनानी तो पड़ती है बारीक बारीक चापत्ती, तो मोटी मोटी आया करती, अंदा जो भी ना हो बारीक बारीक चम्मच मारी गल जा से। बच्चों ने स्नैक में लिया है, क्या नाम है बिस्किट का, चिप्स है, चोको चिप्स, बहुत टेस्टी है, और एक एक तुम्हारे भी बनता है। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी ये किस चीज की सब्जी बना रही है बताओ, कई कई दिन में बना तो बड़ा भूल भी जा सके चीज से, तो मैं बना रही हूँ तोरू की, तोरी बोले से तोरू बोलिया कर, तोरी बोल रहे, तोरी तोरी की सब्जी, खाना
इसमें चून डालूंगी, घी की रोली है ये, फिर आटा लगाऊंगी। रोली साफ करनी है, दोनों काम हो जाएगा, डोली भी साफ हो जाएगी, फिर थोड़ा घी है वो रोटी में लग जाएगा। हमारा हो गया है और डिनर में तोरी की सब्जी बनी थी और दूध भी दे दिया है बच्चों को, बर्तन भी धो गए, दूध के भी धो गए, वैसे भी सिंक भी साफ हो गया, रसोई भी साफ हो गई है और मम्मी और कर रही है सोने की तैयारी देखो, और मैं भी करूँगी अब सोने की तैयारी। गुड नाइट गाइस, अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जो भी कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड नाइट गाइस।